Hello everyone and welcome to 12th episode of Filti Live, bringing you more productivity and safety on construction job site. I am Akash, your digital account manager, connecting with you all live via Facebook. In one of the previous episode, we showcased you innovation of PR30, and a lot of you requested if we can showcase this tool or directly on a job site, and here we are today on one of the construction job site, which is Spectrum Metro, Sector 75, Noida. And to showcase Hilti's innovation, today with us is my colleague, Romit Sethi. Hi Romit, how are you? Hi Akash, and hello to our viewers. It's a pleasure to be back, to Hilti Live. And thank you for having me here. Thanks Romit for being with us. Yep. And guys, what we will be doing today is, first of all, we will be meeting Mr. Sanjeet Kumar, who is taking care of this project. And we will be understanding how he is casting slab on the job site currently, and then Romit will showcase you the innovation of PR30. So let's go. And guys, like always, please keep posting your questions and suggestions in the comment section below, because I will love to hear from you all and will make sure to answer each one of you at the end of the episode. And now let's meet Mr. Sanjeet Kumar from Spectrum Metro. Hello sir, how are you? And welcome to Hilti Live. जी जी और सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए. हमने काफ़ी नाम सुना है स्पेक्ट्रम मेट्रो का. जी तो क्या कहना चाहेंगे सर आप इस प्रोजेक्ट के बारे में? ये एक स्पेक्ट्रम मेट्रो सेक्टर 75 नोएडा में है, जो कि 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बन रही है. फेस वन 25,000 स्क्वायर मीटर एरिया में बन रही है, जिसमें मल्टीप्लेक्स से लेकर के शॉप से लेकर के आपका ऑफिस स्पेस लेकर के इसमें सारे कुछ मिलेंगे. जो अभी हम लोग यहाँ मल्टीप्लेक्स पे काम कर रहे हैं, अभी मल्टीप्लेक्स का ये स्लैब, ये मल्टीप्लेक्स का स्लैब डल रहे हैं यहाँ पर. और हमने भी सर काफ़ी नाम सुना है इस प्रोजेक्ट के बारे में. और सर, अब जैसे आपने बताया कि अभी स्लैब डल रहा है, जी, तो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि ये स्लैब कास्ट करने की क्या प्रोसेस रहती है आपकी? सर, स्लैब कास्ट करने से पहले हम पहले कॉलम कास्ट करते हैं, उसके बाद जो है बॉटम टांगते हैं सेटरिंग के लिए, फिर सेटरिंग करते हैं, फिर सेटरिंग को लेवलिंग करते हैं, फिर लेवलिंग करके हम सरिया बांधते हैं, फिर सरिया बांध करके फिर से लेवलिंग करते हैं, फिर से लेवलिंग करके फिर से हम उसको कास्टिंग करते हैं. ओके ओके, तो आप कह रहे हैं कि जब आपका कॉलम कास्ट हो जाता है, उसके बाद आप शटरिंग को पहले लगा के शटरिंग को लेवल करा जाता है, जी, फिर ये पूरा रीबार मैश आप डाल देते हैं, उसके बाद फिर से लेवलिंग करते हैं आप. फिर से लेवलिंग, तो दो बार लेवलिंग शटरिंग पे हो गई. हम तीन बार लेवलिंग करते हैं, दो टू टाइम्स लेवलिंग होती है शटरिंग पे. और उसके बाद जब कंक्रीट पोर हो जाता है तो उस टाइम पे भी आप लेवलिंग करते हैं. बिल्कुल करते हैं. और सर, ये लेवलिंग अभी आप कैसे करते हैं जॉब साइट पे? सर, अभी हम लोग ये ऑटो लेवल मशीन से करते हैं मैनुअली, जिसमें अभी ऑटो लेवल मशीन अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, पर ऑटो लेवल मशीन हम लाते हैं. मशीन एक इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं, उससे एक लड़का को हम उसको वो क्या बोलते हैं उसको वो देते हैं स्टाफर, वो पकड़ता है. लेवलिंग स्टाफ होता है एक लड़के के हाथ में, लेवलिंग स्टाफ होता है, और दूसरा लड़का जो होता है वो ऑटो लेवल से देखता है. एक लेवल उठा करके दूसरे लेवल जगह चेक करते हैं कि कहाँ अप है कहाँ डाउन है, फिर उसके हिसाब से हम लोग करते हैं. उसके लिए दो आदमी चाहिए. अच्छा, दो आदमी चाहिए कि एक बंदा देखेगा, दूसरा बंदा मेजरिंग स्टाफ लेके घूमेगा. बिल्कुल बिल्कुल, ये और ओके. और सर, यहाँ पर आपका दिन दिन में काम होता है, रात को भी होता है प्रोजेक्ट पे? नहीं, हमारा दिन रात का काम होता है, बट अभी फिलहाल 10 बजे तक का काम होता है. अच्छा, रात को 10 बजे तक काम करते हैं. हाँ जी. तो उस टाइम पे सर ऑटो लेवल यूज कर पाते हैं जब आप सूरज की रोशनी रहती है? रात को नहीं कर पाते. रात को नहीं हो पाता, रात को उसकी विजिबिलिटी नहीं रहती सर. नहीं कर पाते. और सर, आपने जैसे कहा दो लोग होते हैं, और वो आपस में कम्युनिकेट भी करते होंगे? बिल्कुल करते हैं. कि कितना ऊपर है कितना नीचे है स्लैब का लेवल, तो वो कितना इजी रहता है सर आपके लिए? इजी तो अगर हम आपका मशीन देख रहे हैं तो इससे तो ज़्यादा बेटर नहीं हो, पर अभी हम लोग वही यूज करते हैं. ओके, उसमें कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आती होगी कि कभी बोलना पड़ता है, उठाओ, इशारे करते होंगे, इशारे करने पड़ते हैं, आवाज मारना पड़ता है, या फिर फोन मिलाते होंगे? हाँ, फोन मिलाते हैं. बिल्कुल. हाँ जी. और सर, इवन ऑटो लेवल का लीज काउंट कितना होता है सर? अभी हम लोग 20 मीटर एरिया तक देख पाते हैं उससे. 20 मीटर एरिया कवर कर रहे हैं, और आई थिंक उसमें लेवलिंग स्टाफ में जो होता है 5 mm का ही आपका लीस्ट काउंट होता है. बिल्कुल, 5 mm का वेरिएंस रहते ही रहता है. बिल्कुल, यस सर. और गाइज, अगर जो हम 5 लेवल का आप ऑटो लेवल यूज कर रहे हैं, वेरिएशन आते हैं, तो यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट. ये तो आपका काफी बड़ा प्रोजेक्ट है. जी बिल्कुल. अगर जो 50 मीटर का भी स्लैब हम कास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, जो कि एक छोटा सा साइज है एक जॉब साइट के लिए, तो उसमें वो 2500 स्क्वायर मीटर का एरिया हो गया. जी. और अगर जो आप ऑटो लेवल यूज करें तो 1 cm का वेरिएशन आएगा ही आएगा, बिकॉज 5 mm का लीज काउंट है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना. और अगर जो हम इस हिसाब से वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं 2500 स्क्वायर मीटर में, 1 cm अगर जो कंक्रीट एक्स्ट्रा कास्ट हो जाता है, तो उसकी वॉल्यूम आ जाती है आपकी 25 क्यूबिक मीटर.
हाँ कह सकते हैं। हाँ जी, और एक क्यूबिक मीटर में सर कितना सीमेंट बैग लग जाते हैं? एक क्यूबिक मीटर में सर आठ बैग सीमेंट लग जाते हैं। और एक सीमेंट बैग की कितनी कॉस्टिंग होती होगी सर? सर कॉस्टिंग 300 से 350 की। 300 अगर जो हम 300 रुपये का भी पकड़ते हैं एक सीमेंट बैग, हाँ जी, तो 300 × 8 हो गया आपका 2400। और 2400 × 25 क्यूबिक मीटर जी है ना, तो लगभग आपका 40-50 हज़ार रुपये का बिल्कुल कॉन्क्रीट एक्स्ट्रा लग जाते हैं एक स्लैब पे। और अगर जो आपकी स्लैब 10 हैं या 20 हैं तो और ज़्यादा उसमें खर्चा बढ़ जाता है। ओके। और अभी सर आपने जैसा बताया, हमने 3-4 चैलेंजेस देखे जब आप लेवलिंग करते हैं जो कि आते हैं ऑटो लेवल के साथ में। पहला आपने बताया कि 2 लोग लगते हैं, बिल्कुल, दूसरा उनकी कम्युनिकेशन में कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते बहुत इजीली। थर्ड हमने देखा कि रात को अगर जो काम करना हो रात को ऑटो लेवल यूज नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। और लास्ट में हमने देखा कि ऑटो लेवल यूज करने बाद भी 1 सेंटीमीटर का वेरिएशन रहता ही रहता है, बिल्कुल। और सर अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इन सब चैलेंजेस को अवॉइड कर सकते हैं एंड कैसे आप उसको सिंपलर फास्टर और ईजियर कर सकते हैं। ओके। एंड नाउ रोमित, व्हाट वुड यू से, हाउ कैन वी सॉल्व ऑल दीज चैलेंजेस? बिल्कुल आकाश, आई वुड अग्री that these are the major job site concerns which you know made us to come to a job site and demonstrate our tool in these tough job site conditions. Whatsoever concerns have been shared by sir are actually the real ones. Now how this magical tool, which I say the most robust in the industry, how these resolves it, right? So as rightly mentioned, just to give you a brief, a tripod on which it is standing tall, an aluminium tripod, right? This is the most simple user interface, I would say, where anybody you know at the job site can easily switch it on and switch it off. It is running on B12, that means it gets charged in almost 40 minutes for the complete day times of operation. And as well as this is IP66 protected, and I would say that you know whensoever be the conditions, if accidentally the tool, you don't need to panic. These tools are meant, you know, to be tough in the tough job site conditions that we have across. And trust me, accidents should never happen, but God forbidden, if anything happens, then our people and tool should be safe. And trust on this technology, as this tool will be keep on running. Now, jitne bhi concerns sir ne bataye, usko main kis tarike se hal kar sakta hun, mera sirf padhaav ab is par hai. Suppose kar lijiye ek, ab hum itni badi agar ek स्लैब पर खड़े हैं जो उसकी अभी कास्टिंग होने वाली है, सबसे बड़ा पॉइंट जो निकल के आता है कि कितना वास्ट एरिया और इसमें आप एक्यूरेसी किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। एक्यूरेसी कि जिसमें अगर आप तरीके से मेंटेन करेंगे, शटरिंग का लेवल अगर प्रॉपर चेक होगा तो उतना ही आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा जब आप कॉन्क्रीट पोर कर रहे हैं, और उतनी एक्यूरेसी आपके पास आएगी। एक्यूरेसी का मतलब क्यों? क्योंकि हर कॉन्क्रीट एक्स्ट्रा पोर किया हुआ आपकी पॉकेट पर एक्स्ट्रा कॉस्ट कर रहा है, और अगर आप कॉन्क्रीट कम पोर करते हैं बाई मिस्टेक तो इट हैज़ सर्टन क्रिटिकल एप्लीकेशंस, यू नो क्रिटिकल आई वुड से एडवर्स इफेक्ट्स ऑन द ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, राइट? एंड यू वुड नेवर लाइक टू डू दैट, बट लेट मी शो यू हाउ दिस टूल एक्चुअली कैन हेल्प यू। नाउ एट दिस पर्टिकुलर जॉब साइट वी हैव गॉट द बेंचमार्क पॉइंट हियर, राइट? नाउ दिस इज आवर बेंचमार्क पॉइंट। हाउ वी एक्चुअली गेट दिस डन इन जस्ट यू नो पर्टिकुलरली क्लिक इज समथिंग, वी विल जस्ट टेक आवर स्टाफ अराउंड हियर, राइट? We will check that whether it's zero. I will just find the zero for me. So as you can see, the objective is to find the zero zero. And you will appreciate that I will absolutely get it to the extreme zero here. 1 and 0. Perfect. So as you have seen, I have just got it at zero. And I have got it at a certain reading. That means at 72.3 mm, you know this is in centimeter. If I have to convert it in meters, then it will be 723, I would say, right? 723. So this is the kind of accuracy that you can have. This tool has a range of 500 meters. That means if you place it at a center of a job site, you can easily do across 250 meters, and your complete job site can be done in a single go. Now tool setup, second tab just the customer benchmark point, third is I know that my shuttering lies 1 meter down, that means 1000 mm down from here, from this point. What I'll do, I'll simply add on, right? I'll take this receiver out. I know that it was at 723. I'll just take it up and I'll place it at
इसके बाद आप किसी भी अपने लेबर को स्टाफ दे सकते हैं और वो आपकी पूरी की पूरी शटरिंग की लेवल एक ही सिंगल गो में चेक कर देगा। यहाँ पर मैंने इसको रखा है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मुझे लेवल प्रॉपर दिखा रहा है कि मेरा तकरीबन मैं 3 mm डाउन होना चाहिए हूँ। इस तरीके से मैं पूरी जॉब साइट का चेक कर सकता हूँ। इसमें मुझे 2 लोगों की आवश्यकता नहीं है। एक्यूरेसी ऑटो लेवल के स्टाफ में ही 1 cm की है, राइट, और यहाँ पर आपको mm तक की एक्यूरेसी मिलेगी। और इसको बाद आप एक बार लेवल सेट करके आप किसी को भी दे सकते हैं अपनी जॉब साइट पर, कोई भी स्किल्ड लेबर, नॉन स्किल्ड लेबर, आई मीन इट इज़ नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड अ स्किल लेबर, राइट। सो एनीबडी कैन डू दिस जॉब। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सेट दिस लेवल वंस एंड गिव इट टू देम एंड दे विल बी मोर देन हैप्पी टू डू इट। लेट मी शो यू हाउ टू गेट दिस डन। यू विल चेक इट हियर। यहाँ पर 9 mm नीचे चाहिए। यहाँ पर 30 mm नीचे चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि 30 mm अगर यहाँ पर कॉन्क्रीट एक्स्ट्रा पड़ता है तो कितनी कॉस्टिंग उसकी ओवरऑल जॉब के साइड पे आ सकती है। सिमिलरली मैं जस्ट आपको जाके दिखाऊं कि इसकी रेंज क्या है, राइट। हिल्टी रोटेटर PR30 HVS सिंगल टूल है जो कि पल्स पावर के साथ आता है। यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर मुझे 14-15 mm नीचे होना चाहिए। सिमिलरली एनीवेज मैं आपको पल्स लेवर, पल्स पावर बता रहा था जो कि हिल्टी की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। किसी भी तरीके की अगर सनलाइट ज़्यादा हो, सरिये लगे हुए हैं और बीम कैच आपके हमेशा करेगा आपका रिसीवर ऑलवेज बिकॉज ऑफ दैट पल्स पावर टेक्नोलॉजी। यहाँ पर 14 mm के करीब नीचे होना चाहिए। सो इस तरीके से अभी हमने पूरी एक शटरिंग का लेवल चेक कर सकते हैं। उसी तरीके से जब आप कंक्रीट पोर कर रहे हैं उसी वक्त आप अपने शटरिंग की जो भी आपको अगर लेवल करना है या कंक्रीट का लेवल मेंटेन करना है आप उसी वक्त जॉब साइट पे मेंटेन कर सकते हैं। इसका फ़ायदा साइट पे करेक्टिव एक्शन इमीडिएटली लिया जा सकता है। और ये सिर्फ एक वन ऑफ दी एप्लीकेशन है इस टूल की। आपको कॉलम पे रेफरेंस पॉइंट्स मार्क करने हैं। सिर्फ रिसीवर इस्तेमाल करें, लेवल है, आप मार्किंग कर सकते हैं रिसीवर को लेके अक्रॉस योर जॉब साइट, राइट। सिमिलरली कोई भी वर्टिकल आपको एप्लीकेशन करनी है फसाड की, ये एक ऐसा टूल है कि जो हर जॉब साइट पर पहली चीज़ है जो कि आएगी। आपका एक्सकेवेशन से लेके स्लैब कास्ट होने से लेके फसाड को वर्टिकली अलाइन करने तक के लिए एवरीथिंग दैट कैन बी डन विद दिस सिंगल टूल। सो इस तरीके से चाहे दिन हो या रात ये टूल हमेशा आपके साथ होगा। कॉन्क्रीटिंग की शिफ्ट चेंज होंगी बट ये टूल सेम रहेगा विद द हाईएस्ट एक्यूरेसी। इसकी एक्यूरेसी है 0.5 mm एट द 10 meters, राइट। और रोबस्टनेस हमने आपको दिखा दी है। अब इस तरीके से मेरे ख्याल से ना सिंगल एक लेबर चाहिए जो ये पूरा काम कर सकती है। मुझे ख्याल से आकाश हम इसके जॉब के जितने भी कंसर्न्स राइज हुए थे आई थिंक वी हैव बीन एबल टू आंसर देम। व्हाट्स योर टेक? टोटली एग्री विद यू रोमित। और मेरे आंसर करने के बदले आई थिंक हम सर से पूछते हैं। Sure. सर को कैसा ये टूल लगा? राइट। तो सर ये आप बताइए इस टूल के बारे में कैसे लगा आपको? सर टूल आपका जो भी है बहुत बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और बहुत इजी है चलाने में। सबसे बड़ी बात है कि सबसे बहुत इजी है, सिंगल आदमी चला सकता है जी। डिजिटल आपका मीटर है जी। ये सबसे बढ़िया बढ़िया चीज़ है जी। और ये हम रात को भी काम कर सकते हैं ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। बिल्कुल सर, हमने रात को तो चला के नहीं देखा लेकिन मुझे अंदाज़ा लग रहा है कि ये कर सकते हैं रात को काम। और मुझे बढ़िया लगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट। और आप बताइए कि इसका आगे वारंटी गारंटी क्या है? बिल्कुल सर, आई थिंक बहुत रफ कंडीशंस होती हैं आपकी जॉब साइट पे जी, इसी वजह से आपको लगा कि वारंटी भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है। एंड जस्ट टू टेल यू सर एंड टू दी आवर व्यूअर्स, दिस टूल कम्स विद 2 year नो कॉस्ट वारंटी, विच मींस कि टूल में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए जी 2 साल तक आपको एक भी पैसा नहीं देना। हिल्टी विल टेक केयर ऑफ इट। कोई नहीं, हमारे ऑफिस में आप कोटेशन जमा करवा दें। कोटेशन जमा करवा दें, क्या बात है सर। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू एंड आई विल सेंड द कोटेशन एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस इन दिस एपिसोड टुडे। ओके थैंक यू एंड थैंक्स रोमित फॉर बीइंग विद अस एंड प्रेजेंटिंग हिल्टीज PR30। प्लेजर इज ऑल माइन। एंड गाइस व्हाट वी हैव डन इज वी हैव आल्सो पोस्टेड अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो बिलो from where you can download the catalog of PR30. So do not forget to click on that. And that's it from our side in today's episode. I hope you enjoyed the live session with Mr. Sanjeet Kumar जी. from Spectre Metro. It was an amazing experience to interact with you all. Next episode, we will be coming up with another Hilti innovation. So stay tuned, stay safe. Till then, take care of yourself and see you all in the next episode. Thank you.